भ्रष्टाचार की आंच अब उद्धव ठाकरे को तपाने लगी है। जांच एजेंसियों के निशाने पर उद्धव ठाकरे पहले से ही हैं, लेकिन बीएमसी में नागरिक निकाय की स्थायी समिति के अध्यक्ष रहे यशवंत जाधव के पास आयकर विभाग को एक डायरी मिली है, जिसमें साफ तौर पर मातोश्री यानी उद्धव ठाकरे के आवास का नाम लिखा है। इतना ही नहीं, मातोश्री के सामने 2 करोड़ कैश और 50 लाख की घड़ी दिए जाने का जिक्र किया गया है। इतना ही नहीं, इनकम टैक्स विभाग की जांच में फंसे यशवंत जाधव ने एक आवासीय भवन में किराएदारी के से मालिकाना हक हासिल करने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपए का भुगतान किया। उस डायरी में मातोश्री को 50 लाख की घड़ी और 2 करोड़ रुपए देने की बात भी लिखी है। उद्धव ठाकरे का बांद्रा स्थित घर का नाम मातोश्री है, लेकिन डायरी का खुलासा होने के बाद यशवंत ने कहा कि मातोश्री से मतलब उनकी अपनी माँ से है। लेकिन सवाल यह है कि यशवंत जाधव की माँ को 50 लाख की घड़ी और 2 करोड़ कैश की जरूरत क्यों पड़ी? यही वजह है कि इनकम टैक्स विभाग को यशवंत जाधव की दलील पर भरोसा नहीं हुआ। आईटी विभाग कोलकाता की शेल कंपनी को 15 करोड़ रुपए के पुनर्भुगतान की भी जांच कर रहा है, जिसे उसके सहयोगी विमल अग्रवाल की कंपनी को वापस भेज दिया गया था। विभागीय सूत्रों ने कहा था कि इन रुपयों का इस्तेमाल जाधव ने एक होटल और एक घर खरीदने के लिए किया, जिस घर में वो पहले किराएदार था। ये सभी लेन देन 2018 और 2022 के बीच हुए हैं, जब जाधव बीएमसी की स्थायी समिति के अध्यक्ष थे। जाधव ने आयकर अधिकारियों को बताया कि मातोश्री का मतलब उनकी माँ है, उन्हें दान में 2 करोड़ रुपए मिले। इन रुपयों का प्रयोग उन्होंने महाराष्ट्रीय नव वर्ष गुड़ी पड़वा के दिन गिफ्ट बांटने के लिए किया। डायरी में एक और नोटिंग मातोश्री को 50 लाख रुपए की घड़ी देने की बात थी। जाधव ने आईटी को बताया कि उसने अपनी मां के नाम पर लोगों के बीच घड़ियां बांटी थी। हालांकि विभाग दोनों जवाबों से संतुष्ट नहीं है। जांच में पाया गया कि जाधव ने अग्रवाल की कंपनी न्यूज हॉक मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड की मदद से बिलक दादी चैम्बर्स में 31 फ्लैटों की किराएदारी अधिकार हासिल करने के लिए रुपए खर्च किए। इस एग्रीमेंट में रुपयों का उल्लेख नहीं है। सूत्रों ने कहा कि जाधव ने उन सभी को नकद में भुगतान किया। अमेरिका और कनाडा में 2 किराएदारों के मामले में रकम हवाला के जरिए ट्रांसफर की गई। जाधव ने जमींदार से बिलकादी चैम्बर्स का स्वामित्व खरीदने के लिए 4 करोड़ रुपए का भुगतान किया। विमल अग्रवाल को कुछ साल पहले सीबीआई ने और फिर ईडी ने गिरफ्तार किया था। अग्रवाल 2018 में तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए और जाधव के साथ काम करने लगे। सूत्रों ने कहा कि अग्रवाल को जाधव की मदद से महामारी के दौरान 30 करोड़ रुपए के बीएमसी के अलग अलग ठेके मिले। आईटी सूत्रों ने कहा कि बीएमसी ने बोली के जरिए ठेके आवंटित किए और यशवंत जाधव भाईखला इलाके में किसी और को काम के लिए बोली लगाने की इजाजत नहीं दे रहे थे, जहां से उनकी पत्नी यामिनी जाधव विधायक हैं। उन्होंने क्षेत्र में बीएमसी से ठेका लेने वाले ठेकेदारों में से एक सूरज सिंह देवड़ा को भी धमकी दी, ताकि अग्रवाल को काम मिल सके। जाधव को देवड़ा को धमकी देने वाला एक ऑडियो क्लिप 2020 में सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।